नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टी ऑटोवल। आज हम लेकर आए आइशर स्काईलाइन प्रो 3010L बस की फुल डिटेल रिव्यू। फर्स्ट इसकी लुक देखें तो काफ़ी स्टाइलिश स्काईलाइन प्रो सीरीज़ की लुक। बस की ग्रॉस व्हीकल वेट 10.7 टन और इसकी फ्रंट लुक आइशर की लोगो क्रोम फिनिश में और आइशर की ब्रांडिंग क्रोम फिनिश में और इसका ग्रिल ब्लैक फिनिश में और हेडलैम्प काफ़ी स्टाइलिश ड्यूअल हेलोजन हेडलैम्प और ऊपर इंडिकेटर और नीचे फॉग लैम्प फिट करने के लिए प्लेस, रिफ्लेक्टर टेप और नंबर प्लेट की प्लेस और वाइपर क्रॉस टाइप में ड्यूअल वाइपर वॉशर के साथ और इसका विंडशील्ड सिंगल पीस विंडशील्ड ग्लास और ऊपर हाइट मार्किंग लैम्प, साइड व्यू मिरर और प्रॉक्सी मिरर। एक शोरूम प्राइस 31,70,000। ऑन रोड प्राइस और अदर डिटेल्स के लिए नियरेस्ट शोरूम को कॉन्टेक्ट करें। ओवरऑल लेंथ 10.4 मीटर, ओवरऑल विड्थ 2.3 मीटर, ओवरऑल हाइट 2.9 मीटर, फ्रंट ओवर हैंग 2045 mm और साइड व्यू और इसका डोर और पैसेंजर चढ़ने और उतरने के लिए 2 फुट स्टेप और डोर मैनुअली ऑपरेट करना पड़ेगा। फुट स्टेप के लिए लाइट, टर्न इंडिकेटर और टायर्स इसमें सारे ट्यूबलेस। फ्रंट सस्पेंशन पैराबोलिक ली स्प्रिंग विथ ARB एंटी रोल बार और स्टेयरिंग पावर स्टेयरिंग। ब्रेक्स में ड्यूअल सर्किट SKM फुल एयर ब्रेक्स। टायर साइज 235/75 और 17.5 14 प्ले रेटिंग की ट्यूबलेस टायर। स्काईलाइन प्रो की ब्रांडिंग क्रोम फिनिश में और UTEC 6 की स्टिकर, रिफ्लेक्टर टेप, नाइट टाइम रनिंग लैम्प और साइड में बॉक्सेस दिया है। बॉक्सेस लॉक अनलॉक के लिए की दिया है। फर्स्ट बॉक्स स्पेयर व्हील के लिए, स्पेयर व्हील के लिए बॉक्स देने से स्पेयर व्हील खोलने के लिए आसानी होगा और इसका स्पेयर व्हील। सेकेंड बॉक्स बैटरी बॉक्स और बैटरी इसमें सिंगल बैटरी 12 वोल्ट 130 एम्पेयर की, अल्टरनेटर 110 एम्पेयर की। अभी इसमें एक्साइड कंपनी की बैटरी। थर्ड बॉक्स टूल बॉक्स के तरह यूज़ कर सकते हैं। रात के टाइम में यूज़ करने के लिए लाइट भी दिया है। लीवर और स्टॉपर और अदर टूल्स भी रख सकते हैं और इस बस में आइशर लाइट एलिमेंटिक्स भी दिया है। इससे फ्यूल मैनेजमेंट, ट्रिप मैनेजमेंट, अप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। इससे बस को इजीली मोनिटाइज कर सकते हैं और बस में AC नॉन AC ऑप्शन भी दिया है। आज हम लेकर आए नॉन AC ऑप्शन के साथ, ज़रूरत के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। और इसका रियर व्हील्स और टायर्स टोटल 6+1 स्पेयर व्हील और इसका रियर एक्सल, रियर सस्पेंशन पैराबोलिक ली स्प्रिंग और बस की बॉडी आइशर ने ओन मैनुफेक्चरिंग किया है और स्काईलाइन प्रो एग्जीक्यूटिव की स्टिकर। रियर ओवर हैंग 3,134 mm, व्हील बेस 5,260 mm, टर्निंग रेडियस 18.5 मीटर और इस बस में वेरिएंट्स भी दिया है। स्कूल बस, स्टाफ बस, रूट परमिट, चेसिस ऑप्शन भी ले सकते हैं। एप्लीकेशन और ज़रूरत के हिसाब से वेरिएंट्स को चूज़ कर सकते हैं और इसका रियर व्यू नॉर्मल सिंपल लुक में आइशर की ब्रांडिंग क्रोम फिनिश में, फिक्स्ड ग्लास और हाइट मार्किंग लैंप। स्काईलाइन प्रो की ब्रांडिंग क्रोम फिनिश में और आइशर ने बस बॉडी को ओन मैन्युफैक्चरिंग किया है। उसका स्टिकर UTEC 6 की स्टिकर और इसका टेल लैंप और रिवर्स पार्किंग असिस्ट भी दिया है। उसके लिए 4 सेंसिंग पॉइंट, इससे कोई ऑब्जेक्ट बीच में आता तो बीप साउंड आएगा और नंबर प्लेट के लिए लाइट्स और चेसिस डोमेक 650। चेसिस की डायमेंशन डेप्थ 210 mm, विड्थ 76 mm, थिकनेस 6 mm और इसका माइलेज 7-7.5 किलोमीटर प्रति लीटर मिल सकता है। यह माइलेज डिपेंड करता है कि किस रोड पर चला रहा है और चलाने के तरीके से माइलेज चेंज हो सकता है। वारंटी इंजन और गियर बॉक्स के लिए 4 साल, बस बॉडी के लिए 2 साल और सेफ्टी के लिए इमरजेंसी एग्जिट डोर और 1 फुट स्टेप और स्काईलाइन प्रो एग्जीक्यूटिव की ब्रांडिंग
रिफ्लेक्टर टेप और साइड मार्कर लैंप और एड ब्लू टैंक 27 लीटर कैपेसिटी की और फ्यूल टैंक 160 लीटर कैपेसिटी की। और इस बस में एज ए स्टैंडर्ड फीचर आइशर लाइव फ्यूल कुचिंग क्रूज कंट्रोल एम्बूस्टर प्लस टेक्नोलॉजी और साइड पर रिफ्लेक्टर टेप्स, ड्राइवर साइड डोर के नीचे एयर फिल्टर, टर्न इंडिकेटर, 2 फुट स्टेप, एयर इंटेक, स्काईलाइन प्रो की ब्रांडिंग और एम्बूस्टर प्लस की ब्रांडिंग और इसका ईट्स यूनिट एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम, इससे फिल्टर होकर वातावरण में छोड़ा जाता है, इससे कम प्रदूषण होते हैं। B6 बसेस में मेन चेंज इसका एग्जॉस्ट सिस्टम में किया है। और अभी इसकी इंटीरियर व्यू देखेंगे। इसका ड्राइवर साइड डोर, डोर पैडिंग प्लास्टिक में, इसमें ग्रैब हैंडल, अनलॉकिंग लॉक अनलॉक और ड्राइवर साइड डोर पर स्लाइडिंग विंडो और हैंड ब्रेक लीवर, ड्राइवर सीट एडजस्टेबल टाइप, इनबिल्ट हेडरेस्ट के साथ, टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन, और डैशबोर्ड की व्यू, स्टीयरिंग 2 स्पोक टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक पावर स्टीयरिंग, स्टीयरिंग में आइशर की लोगो और हॉर्न की कंट्रोल, राइट साइड पर टर्न इंडिकेटर, क्रूज कंट्रोल और हेडलाइट की कंट्रोल, लेफ्ट साइड पर वाइपर और हजार्ड लैम्प की कंट्रोल, और साइड स्विचेस में ABS की स्विच, रीजनरेशन की स्विच, हेडलाइट लेवलिंग के लिए कंट्रोलर, कट ऑफ स्विच और इसका पेडल्स, इलेक्ट्रॉनिक एक्सलेटर पेडल और ब्रेक्स में ड्यूअल सर्किट एस्केम फुल एयर ब्रेक्स और इसका क्लच और कीज में टोटल 6 की, 2 इग्निशन के लिए, 2 AdBlue 10 के लिए और 2 पैसेंजर साइड डोर लॉकिंग के लिए और स्विचेस में केबिन लाइट्स की स्विच, फैन की स्विच और नीचे एक्स्ट्रा स्विचेस के लिए प्लेस। एम्बूस्टर प्लस टेक्नोलॉजी में 3 मोड्स, पावर, इको, इको प्लस। इस मोड्स को यूज़ करने से बेहतरीन माइलेज मिल सकता है। और ड्राइवर के लिए USB चार्जिंग सॉकेट और इधर 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट और इधर मोड्स की स्टिकर, फायर डिटेक्टर की वार्निंग लाइट्स और इसका गियर नॉब, 5 स्पीड गियरबॉक्स और इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, डिजिटल प्लस अनलॉक लेफ्ट साइड पर, स्पीड और फ्यूल लेवल राइट साइड पर, RPM और टेम्परेचर और MID में डेट, टाइम, वोल्टेज, एड ब्लू लेवल, प्रेशर गेज, ओडोमीटर और अदर फंक्शंस भी दिया है। और सेटिंग्स के लिए 4 बटन्स और अभी इंजन को स्टार्ट करके इंजन के साउंड सुनेंगे। ड्राइवर साइड सन वाइजर, और IRVM, स्पीकर फिट करने के लिए प्लेस, डिजिटल क्लॉक, केबिन लाइट, फायर डिटेक्टर और ड्राइवर के लिए फैन, फर्स्ट एड किट और इधर ग्लोव बॉक्स और पैसेंजर साइड डोर के पीछे फ्यूज बॉक्स और इसका इंजन E494 4 सिलेंडर इनलाइन डीजल BS6 इंजन, CC 3770, पावर 160 HP की 2600 RPM पर, टॉर्क 500 Nm की 1200 से 1800 RPM पर, क्लच 330 mm की डाई, गेयरबॉक्स ET40S6 6 स्पीड गेयरबॉक्स और इसका कूलेंट और इंजन ऑयल चेक करने के लिए गेज और इंजन की ओवरऑल व्यू और पैसेंजर साइड डोर, डोर मैनुअली ऑपरेटिंग सिस्टम
और 2 फुटस्टेप, लाइट, सीटिंग कैपेसिटी नॉर्मल सीट्स में 44 सीटर, पुश बैक सीट्स में 40 सीटर, और सीट्स ड्यूअल टोन कलर फिनिश में, काफ़ी कंफर्टेबल सीट आर्मरेस्ट के साथ। और ग्रैब हैंडल, और साइड में ग्रैब हैंडल, और इमरजेंसी टाइम में ग्लास को ब्रेक करने के लिए हैमर, हेल्प बटन, और थिंग्स रखने के लिए रैक। और आज हम लेकर आए 44 सीटर ऑप्शन के साथ नॉर्मल सीट्स में। एप्लीकेशन और ज़रूरत के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। और लास्ट रो 5 सीट्स के साथ इमरजेंसी एग्जिट डोर, हैमर और स्पीकर फिट करने के लिए प्लेस, और फ्लोरिंग सिलिकॉन एम्ब्रॉयडर्ड विनाइल, इससे स्लिप होने की चांसेस कमी है। और ऊपर सेफ्टी के लिए इमरजेंसी एग्जिट विंडो, और केबिन लाइट। और चैनल को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, चेक कर सकते हैं। और इस बस की इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।